तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बॉली किंग। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार का करियर दोस्तों बॉलीवुड के अंदर डूबता हुआ नज़र आ रहा है। अक्षय कुमार को चाहिए सिर्फ एक फिल्म की तलाश दोस्तों, लेकिन भाई वो अक्षय कुमार को मिल नहीं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी प्रमोशन के लिए, लेकिन भाई ऑडियंस ने इस मूवी को नकार दिया दोस्तों। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें तो भाई इस मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है। आप कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ टेक्नोलॉजी इस मूवी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने को योगदान देती है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसके अंदर ना तो स्टोरी में दम है, ना कॉमेडी दम है, ना एक्शन में दम है दोस्तों। ये एक्शन सब देख चुके हैं। बाकी दोस्तों एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इस मूवी को रिलीज़ करा गया है और वही दोस्तों लोगों को पसंद आ रही है। बाकी और उस मूवी में कुछ भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो अक्षय कुमार की पिछली फिल्म ओ माई गॉड टू बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। बाकी दोस्तों सेल्फी ले लो जिसने 2 करोड़ की ओपनिंग उठाई थी, पृथ्वीराज चौहान ले लो जो कि भाई इस मूवी ने तो भाई वायर ऑफ को यानी कि यश राज फिल्म वालों को भाई डुबा दिया था। और भाई वायर ऑफ वालों ने अपने कान पकड़ लिए, कह दिया कि भाई कभी ज़िंदगी में हम अक्षय कुमार को कास्ट नहीं करेंगे भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बजट भी तकरीबन 250 करोड़ के आसपास था, ये अपना बजट तक नहीं निकाल पाई। ये मूवी बहुत बड़ी डिकास्टर साबित हो गई। अब बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद, वो कौन कौन सी होगी, जो कि 2024 में ही दोस्तों आएगी। जिसकी जो पहला नाम है दोस्तों वो आएगी 12 जुलाई को, जो कि सरफिरा दोस्तों सरफिरा मूवी आएगी अक्षय कुमार की। बाकी दोस्तों कौन क्या है, डायरेक्ट क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन 12 जुलाई को अक्षय कुमार की फिल्म दोस्तों 2024 में सरफिरा आएगी। बाकी दोस्तों 6 सितंबर को मूवी आएगी जो कि खेल खेल में, जो कि एक एक दोस्तों फैमिली ड्रामा मूवी होने वाली, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों। 2 अक्टूबर को स्काई फोर्स मूवी आएगी अक्षय कुमार की 2024 में। बाकी दोस्तों दिसंबर के महीने में अक्षय कुमार की वेलकम 3 आएगी। भाई ये मूवी जो वेलकम 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, क्योंकि भाई वेलकम जो पहला पार्ट था वो बहुत बड़ा हिट हुआ था, लेकिन वेलकम 2 में दोस्तों यहाँ पर जॉनी इब्राहिम आ गया था, लेकिन वेलकम 3 में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फिर से अक्षय कुमार देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि दोस्तों 2024 के दिसंबर के महीने में आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर भी दोस्तों डेट निकल के सामने आ रही है। क्या इन दोनों फिल्मों में क्लेश होगा भाई साहब, ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा। और आपको पता है कि भाई आमिर खान तो अक्षय कुमार को दोस्तों दबा देगा, क्योंकि भाई अक्षय कुमार का जो करियर है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है, और आमिर खान की जो वापसी है कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऑडियंस साथ देगी वो आमिर खान का साथ देगी, क्योंकि भाई आमिर खान की अभी 1 या 2 ही फिल्में फ्लॉप हुई हैं। भाई अक्षय कुमार ने भाई लाइन लगा दी है फ्लॉप की भाई साहब। अगर मैं बताने पर आ गया ना, वीडियो दोस्तों 1 घंटे की हो जाएगी यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी अक्षय कुमार की जो 5-4 फिल्में मैंने बताई है दिसंबर तक की, आप कितना एक्साइटमेंट है अक्षय कुमार के फैंस हो, तो क्या आप इन मूवी को देखोगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन दबा देना, नया चैनल सपोर्ट करना भाई साहब।